जय माता दी, जय हो माता रानी। देख लो बहुत प्यारा फंक्शन रखा है यहाँ पे, जिसको भी आना हो आना हो, समाया के सामने है ये भाई। ये माता रानी का टेंपल है, इसके अंदर माता रानी के दर्शन करवाएंगे अब हम आपके सबके सब माता रानी के दर्शन कर लो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं भाई प्रीत के साथ अपनी स्कॉर्पियो रबिंग के लिए छोड़ने और कुछ मॉडिफिकेशन देख लो। चलो भाई प्रीत, चलो भाई। चलो तो गाइज चलते हैं अब हम। गाइज अपने वाटिका के रास्ते देखो कैसे टूटे फूटे पड़े हैं, और भाई स्कॉर्पियो में तो धचकी वैसे बहुत ज्यादा लगती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। गाइज आज दुर्गा अष्टमी है, यहाँ पे देख लो कितनी ज्यादा भीड़ लग रही है, पूरा का पूरा क्राउड हो रहा है, पीछे जाम लग गया है। गाइज देख लो आप लोग खड़े हैं और हम भाई अपने व्लॉग को शूट कर रहे हैं। ये भाई अपना टाउन स्केटू है, यहाँ पे भाई शाम को बढ़िया लाइटनिंग वगैरह रहती है, एक नंबर फोटो वीडियोस आती है। देख लो गाइज हम अपने स्कॉर्पियो को भी बिल्कुल टफली टफली चला रहे हैं, और एवरेज दे रही है अपनी 15.4 की, और देख रहे हैं हम कैसे कट मारते जा रहे हैं अपने आराम से, बढ़िया फुल एंजॉय करते। रामपुरा फ्लावर नीचे पहुंच गए है, यहाँ पे अपने स्टाफ खड़ा है, पर कोई दिक्कत नहीं अपना सिस्टम। गाइज अपने रामपुरा बालाजी कार वॉश पे पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, फिर भाई आ रहा है वो, उससे बात करेंगे, फिर अपनी गाड़ी को यहाँ पे छोड़ देंगे रबिंग। भाई देख लो अपनी गाड़ी का इंजन कितनी ज्यादा आवाज कर रहा है, भाई से उस दिन दिखाई थी, उस दिन हो नहीं पाया था, आज दिखाते हैं। कल अपनी भाई ललित की गाड़ी का हूटर हिल रहा था, आज अपनी गाड़ी का इंजन हिल रहा है पूरे को पूरा। देख लो भाई, देख लो खोलते के साथ हिलना बंद हो गया, अब देख लो गाइस जो चीज हिल रही थी अपनी गाड़ी में, भाई ने वो ही निकाल दिया गाड़ी से, कह रहा है इसके बिना गाड़ी चलाओ कुछ नहीं हिलेगा। भाई फिर इसके बिना चलाओगे गाड़ी में, ये देख लो भाई, इसके बिना चल जाएगी फिर के काम भाई, इसको हटा दिया बेच दिया। भाई ने अपनी आवाज का सोल्यूशन कर दिया, अब भाई अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के पार्ट को लगा रहा है। भाई प्रीत आप मत बैठ जाना, गाड़ी बैठ जाएगी नीचे बता रहा हूँ मैं। भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दिया, अब देख लो पहले बहुत ज्यादा हिल रहा था, अब नहीं हिल रहा है इतना कुछ भी, अब अपनी गाड़ी ओके रिपोर्ट है। अब जा रहे हैं भाई, यहाँ से निकल रहे हैं, भाई मोहित का फोन आ रहा है बहुत देर से, वो गोल चक्कर पर खड़ा है, अब हम गुड़गांव जाएंगे। भाई अपने बालाजी कार वॉश से निकल लिया है, अब भाई प्रीत ड्राइविंग कर रहा है, भाई अपना हैवी ड्राइवर। भाई अपने आज कोई से भी काम नहीं हो पाया, ना नंबर प्लेट की फ्रेम मिली, और भाई ना आई तो हमें अपना रबिंग वगैरह हो पाई। आज संडे था, वो बोल रहे भाई आज आप गलत आए हो कल आना, तो गाइस अब हम आपको कल आके मिलते हैं यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड है उस पे तो करवाना नंबर प्लेट फ्रेम, हाँ वो करवा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपने आ गए वहां से, भाई मोहित खड़ा था बहुत देर से, अब आ गए भाई अपने भाई मोहित के पास, अपने भाई जेड ब्लैक गाड़ी अपने भाई मोहित की मॉडिफाइड फुल। चलो भाई ठीक है भाई प्रीत, मिलते हैं आपसे अभी हम थोड़ी देर में। भाई यहाँ पे अपना फंक्शन हो रहा है, भाई ये बम्पर टूट गया भाई का, अब इसको ठीक करवा के लाएंगे भाई, न्यू लगवा के लाएंगे भाई। गाड़ी में रात हो रही है देख लो गाइस, बाहर दिन हो रहा है गाड़ी में रात हो रही है। भाई अपने टोल टैक्स से निकल लिया है, हाईवे पे चढ़ गए हैं, अब जा रहे हैं अपने गुड़गांव में। अपने गाड़ी का आगे का बम्पर टूट गया आपने देख लिया होगा, उसको चेंज करवाएंगे, और क्या करवाना भाई इसमें, देख लो भाई जड ब्लैक है पूरी की पूरी फ्रंट तक, जय श्री राम। गाइस देख लो अपनी जड ब्लैक i20 रफली टफली चल रही है बिल्कुल, और भाई कितने की एवरेज दे रही है ये, एवरेज शो नहीं करती भाई। भाई अपने सेक्टर 14 में आ गए हैं, जहाँ पे हम कल आए थे केशव टायर, अपनी जड ब्लैक कार के साथ सेक्टर 14 में आ गया, देख लो अभी हम अपने बम्पर चेंज करवाएंगे। गाइस सेक्टर 14 हम पहुंच गए हैं, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, अपने पीछे जो शॉप है हुंडई वाली, इसमें पूछा अपना बम्पर का प्राइस 2000 बता रहे हैं, अब एक बार भाई से बात कर रहे हैं क्योंकि पेंट वगैरह भी करवाना है। अपना बम्पर ले लिया है, पर यहाँ पे कोई भी पेंट नहीं कर रहा है, आज कह रहे आज संडे है, आज सारे पेंटर छुट्टी पे है, अब भाई अपनी गाड़ी में रख लेते हैं अपने बम्पर को, बाहर करवाएंगे पेंट तो करवाना है। बम्पर ले लिया है गाड़ी में रख लिया, पूरे को पूरे सेक्टर 14 में बस एक यही दुकान है बजरंग ऑटो इलेक्ट्रिशियन, जिसके अंदर पेंटर है भाई, वरना भाई सबने बम्पर पेंट करने के लिए मना कर दिया था, भाई पेंट कर रहा है, अब हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया है, भाई ने बम्पर वगैरह खोल दिया, इतने भाई पेंट करते हैं, इतने हम कुछ खा पी के आते हैं। चले भाई मोहित,
भाई कह रहा मोहित से, भाई पूरी की पूरी जेड ब्लैक कार है। मोहित कह रहा भाई सिस्टम है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। भाई अपनी गाड़ी छोड़ आए वहाँ पे, अब एक बार रोक कार एक्सेसरी पे आए थे यहाँ पे, अपने कुछ देख लेते अगर कुछ चाहिए था तो। अपने I-20 छोड़ दिया है, अब अपने एक्सेंट में जा रहे हैं परांठे खाने। गाइस देखो लाइव एक्सीडेंट होने वाला है यहाँ पे, अभी बिल्कुल थोड़ा सा गैप रह रहा है। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे ला खड़ी कर दिया, I-20 अपनी वहाँ खड़ी है। देख लो भाई ये गाड़ी बिल्कुल सिंपल है, ना अलॉयज वगैरह है, कुछ भी नहीं है। और भाई गाड़ी बिल्कुल प्यारी है, एक नंबर की गाड़ी है, अलॉय पलॉय कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल गाड़ी है ये। भाई अब हमें लेके जा रहा है बिरयानी वाले के पास, हमें पता नहीं यहाँ पे हमें परांठे तो मिले नहीं आंटी के, बंद थी आज संडे, आज हर एक चीज़ बंद है। अपनी गाड़ी यहाँ पे अभी इसका काम होने लग रहा है, थोड़ी देर में डन हो जाएगा। बस आप लोगों ने देखी होगी हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी बम्पर लगने के लिए, अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो भाई यहाँ पे ना गाड़ी है ना भाई है, वो नहीं पता भाई की गाड़ी। भाई अपना मोटे अंकित को देख लो, ये यहाँ पे सेक्टर 14 मदवासी खिलाते हुए। भाई अपनी गाड़ी की डन हो गया है पेंट, मोटर डीजल डलवाने के लिए आए थे, यहाँ पे लाइन में लगा रखी थी तो भाई बीच में आ गया। तो भाई अपना मोहित भाई का सिस्टम है, भाई ने टेडी लगा दी, कह दी भाई डीजल भरेगा तो भाई पहले अपनी गाड़ी में भरेगा, बाद में दूसरे के में भरेगा। गाइस अपनी गाड़ी का बम्पर लगवा लिया, अब एक बार बैरिंग आवाज कर रहा था एडजस्टर, तो वो करवा लेते हैं। भाई मोहित लेके आ रहा है अभी, यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं लाइन में, पीछे भाई चेक कर देगा। भाई अपनी इस वाली गाड़ी में भी वही आवाज आ रही है जो सुबह अपनी स्कॉर्पियो में आ रही थी, अभी भाई से दिखाई थी, भाई कह रहा अभी तो आपका पेंट सूखा नहीं है, बाद में दिखा देना। भाई अपने कार पेंट शॉप पे आ गया, अपनी गाड़ी का बम्पर पेंट करवाए थे, थोड़ा सा रह गया था, हमने पहले देखा नहीं, वहाँ पे देखा हमने शॉप पे, अपने इसको करवा रहे हैं। स्प्रे मार रहा है गाड़ी पे, देख लो पूरा का पूरा पेंट हो गया है आगे से, बस देख लो भाई ने स्प्रे मार दिया है पेंट पे। भाई सेक्टर 14 से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं अपने अंबानी की कॉफी पीने। अंबानी कॉफी शॉप पे पहुंच गए हैं, अपने कॉफी ले लिया है, गाइस अपने कॉफी पी लिया, अब अपने हाईवे पे चढ़ गए हैं, अब जा रहे हैं अपने घर। 3:30 बजने वाले है, बहुत टाइम हो गया है। भाई अपने द्वारका एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं, यहाँ से बंद रहता है पर लेकिन आज हमने खुलवा दिया है। ये देख लो भाई कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और भाई अपनी गाड़ी में तो रात हो रही है, आप लोगों को पता है भाई मोहित का सिस्टम है, जेड ब्लैक गाड़ी सबके बस की नहीं है भाई चलानी, पर मोहित भाई चला रहे हैं, ये देख लो भाई। भाई अपनी गाड़ी अंडर पास में खड़ी कर दिया है, देखो जेड ब्लैक कार का क्या लुक आता है, देख लो भाई बिल्कुल एक नंबर गाड़ी लग रही है भाई, भाई सब गच्चा। अपने प्लाट में आ गए हैं, दोनों गाड़ी खड़ी कर दिया है। गाइस आज दुर्गाष्टमी है, आप सभी लोगों को पता होगा, तो अभी हम जा रहे हैं वाटिका में माता रानी के फंक्शन। भाई अपने माता रानी के पंडाल के बाहर पहुंच गए हैं, यहाँ पे देख लो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, अंदर जाके आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं, पहले अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं एक बार। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो रखा है, हमें कहीं पर भी पार्किंग की जगह मिली नहीं, अब आखिर में जगह मिली है, अब यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करी है। और वो देख लो वहाँ पे अपना पंडाल है बहुत दूर, अब अपनी गाड़ी को खड़ी करके पैदल पैदल जा रहे हैं अपने पंडाल में, अपने पंडाल के बाहर पहुंच गया, अंदर जा रहे हैं पंडाल में, माता रानी के दर्शन करवाएंगे आपके बिल्कुल पास से। देख लो कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, गाइस देख लो यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, यहाँ पे फंक्शन चल रहा है कृष्ण लीला का, और पुजारी कभी नहीं दे सकता है इसकी गढ़न मंगलिया, वो था देख लो गाइस माता रानी के दर्शन कर लो सबके सब, जय माता दी जय हो माता रानी की जय हो। भाई यहाँ पे जिसको भी सेल्फी लेनी है वो चले जाओ आगे, यहाँ पे लाइन लगा रहे लोग सेल्फी के लिए, अपना भाई परम खड़ा हुआ है यहाँ पे। भाई अपने इस पंडाल से निकल गए हैं, अब एक बार वहाँ पे जा रहे हैं जो वाटिका में फंक्शन था, वहाँ पे भी आज फंक्शन है तो वहाँ पे भी एक बार हो जाते हैं माता रानी के दर्शन करवा देते हैं। भाई वाटिका में पहुंच गए हैं, अब आपको माता रानी के दर्शन करवाते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, देख लो दोनों के दोनों रोड पे इतनी ज्यादा गाड़ी खड़ी है, रोड दोनों ब्लॉक कर दिया है, जाम लगा दिया पूरा का पूरा इन्होंने आगे, अभी हमें नहीं लग रहा कि हमें पार्किंग के लिए जगह मिलेगी, जैसे वहां पे इतनी दूर खड़ी करके आए थे ऐसे यहाँ पे भाई टाउन स्क्वायर में गाड़ी खड़ी करके आनी पड़ेगी, दोनों के दोनों रोड पे गाड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, माता रानी के दर्शन करेंगे अब अंदर जाके। आज दुर्गाष्टमी है, कल लास्ट नवरात्र है, जय माता दी।
गाइस देख लो, नहीं तो रोड पे कहीं पार्किंग की जगह थी या टाउन स्केट टू मॉल में आए तो यहाँ पे भी पूरी की पूरी पार्किंग फुल है। गाड़ी के लिए यहाँ पे कहीं पार्किंग की जगह नहीं है, अपने बाहर रोड पे आगे लगानी पड़ेगी, फिर पैदल जाना पड़ेगा। भाई अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे, टाउन स्केयर के अंदर तो जगह नहीं थी इसलिए हमने टाउन स्केयर के बाहर कर दी अपनी गाड़ी खड़ी। अब भाई अपने माता रानी के दर्शन, अपनी गाड़ी खड़ी कर आए हैं वहाँ पे, अब अपने माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माता रानी के फंक्शन के बाहर आ गए हैं, अब अंदर जा रहे हैं। बस देख लो यहाँ पे कितना ज्यादा क्राउड हो रखा है। भाई अंदर आ गए हैं, यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं थी, यहाँ पे तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे देखो भीड़ ही भीड़ लगी हुई है, देख लो यहाँ पे वगैरह भी है। भाई यहाँ पे भी सेम वही फंक्शन हो रहा है, देख लो भाई दोनों जगह भाई बहुत बढ़िया फंक्शन हो रहा है। भाई जिसको भी आना हो जल्दी आ जाओ, या तो पार्टी का आ जाओ या दोस्ती के बाहर, या फिर भाई अपने सफायर के बाहर आ जाओ 121 वहाँ पे फाउंडेशन में। भाई यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे तो सीट भी नहीं है बैठने के लिए, वहाँ पे कम से कम सीट तो खाली थी। देख लो भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, ये भाई पीछे करने लग रहे हैं लोग बाग को जो आगे हो रहे हैं। भाई यहाँ पे पर माता रानी का वो नहीं लग रहा कहीं पर दर्शन करने के लिए, एक बार हम देखते हैं अगर कुछ हुआ तो हम जाते हैं। भाई ये माता रानी का टेंपल है, इसके अंदर माता रानी के दर्शन करवाएंगे अब हम आपके, देखना बहुत ज्यादा भीड़ है भाई वैसे तो यहाँ पे, पर लेकिन हम जा रहे हैं अभी अंदर आपके दर्शन करवाते हैं, हम अपने भी दर्शन करते हैं माता रानी के। जय माता रानी की, जय माता दी, भाई सब माता रानी के दर्शन कर लो। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए। गाइस यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है अपने यहाँ से, यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप लोगों को भी आंसर आता है तो कमेंट करके बताना। जटायु धनुष का नाम नहीं था बेटा। भाई अपने माता रानी के दर्शन करके और ये फंक्शन देख के निकल लिया अब यहाँ से। भाई माता रानी के दर्शन कर लिया और अपने टाउन स्क्वायर 2 से निकल रहे हैं, टाउन स्क्वायर 1 में जाएंगे भाई। अब अपने पनीर फ्राइड राइस वगैरह खा लेते हैं भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। 9:31 हो गए हैं अब यहाँ भाई, कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पे। टाउन स्क्वायर में पहुंच गए हैं, अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं भाई रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे अपने पनीर फ्राइड राइस खाने। भाई अपने टाउन स्क्वायर में आ गए अंदर, अब अपना ऑर्डर कर देते हैं। भाई अपने रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अब अपना ऑर्डर कर देते हैं। भाई एक प्लेट पनीर फ्राइड राइस कर दो स्पेशल। बट आज अपना ऑर्डर रेडी हो गया है, बहुत तेज भूख लग रही है, अब अपने खाते हैं पनीर फ्राइड राइस, फिर मिलते हैं आपसे। भाई 11:09 हो गई है, अपने टाउन स्क्वायर से निकल रहे हैं अब जा रहे हैं अपने घर पे। भाई अपने गांव में पड़ेगा, बस अपने घर पे पहुंचने वाला 2 मिनट में। अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं भाई, फिर अपने घर जाके सोवा। 11:15 होगा, बहुत लेट होगा भाई आज तो। गाइस 11:20 हो गए हैं, अब हम अपने घर पहुंच गए हैं। आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।